तो दोस्तों विंडोज 11 तो रिलीज हो ही चुकी है यार, इंजॉयमेंट फुल चल रहा है यार, आप सब में से काफी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगी। अच्छा एक चीज है यार, बड़ा रीजन विंडोज 11 पे आने सबका, हम सबका यार बेसिकली रहा क्या है, गेमिंग बहुत अच्छी होगी। मतलब जितना यार विंडोज वालों ने दिखाया था ना, अलग अलग चीजें फैसिलिटीज आपको विंडोज 11 मिलेगी खास करके गेम्स के लिए, क्या है कि नहीं यार। आज पूरी टेस्ट करने वाले, FPS से FPS मैच करने वाले, कितनी परफॉर्मेंस मिलती है वो देखने वाले। बाकी स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। देखो यार एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, विंडोज यार गेमिंग के अंदर बहुत आगे है, ये बात तो आप मानोगे ना, बहुत आगे मतलब यार एक अच्छे लेवल पे है मेरे हिसाब से लिनक्स और अलग यार ऑपरेटिंग सिस्टम से। आप देखते हो लिनक्स विनिक्स जहां पे लोग जाते हैं वहां पे गेमिंग करने वाले लोग बहुत कम हो जाते हैं, और गेमिंग यार करना पसंद है बहुत लोगों को, तो उस हिसाब से यार बात करी जाए तो विंडो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। अच्छा यहां पे एक और चीज अच्छी है यार विंडोज के साथ, क्या हो रहा है अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म निकल के आ रहे हैं, लाइक यार रिसेंटली मैंने क्या देखा है ना, एपिक गेम्स, यस एपिक गेम्स जो फ्री में गेम्स प्रोवाइड करता रहता है, वो एक गॉड ऑफ वॉर गेम को पीसी पे उतार चुके हैं। मतलब यार मैं ये नहीं बोल रहा उन्होंने उतारा है, पर बाकी एपिक गेम्स पे आप अवेलेबल हो चुके हैं गॉड ऑफ वॉर प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव गेम्स से, अब यार पीसी पे आ रही है, तो यार मानना पड़ेगा यार कुछ ना कुछ तो है, फ्यूचर में यार गेम्स आएंगी पीसी पे आएगी, और इसके लिए बहुत सारी टेक्निक भी निकाली है, ऐसी बात नहीं है विंडो 10 जैसा ही आपको सेम विंडोज 11 में परफॉर्मेंस मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कुछ फैसिलिटीज का यूज करते हो लाइक डायरेक्ट स्टोरेज, तो आपके गेम की लोडिंग टाइम इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि आप खुद यकीन नहीं करोगे, हाँ ये तो बहुत फास्ट हो गया प्लेस्टेशन 5 टाइप। तो ये सब चीजें हैं यार, पर इनके लिए यार फिर सिस्टम भी अच्छे चाहिए होंगे। मैं ऑर्डिनरी सिस्टम की आज बात करने वाला हूं, ये सिस्टम नहीं जहां पे M.2 NVMe SSD आपके पास, ग्राफिक कार्ड है, प्रोसेसर अच्छा है, तब आप सोच रहे हो कि हां तब तो लोडिंग टाइम कम, अरे फिर तो होनी चाहिए भाई इतना कुछ दे रहे हैं। तो ये सब बात है, अगर आप जानना चाहते हो क्या-क्या नई फैसिलिटीज प्रोवाइड हुई है सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए विंडोज 11 पे, तो आई बटन वाली वीडियो चेक कर लेना। बाकी हाँ हमने यार पहले एक बार ही, याद होगा आप सबको, विंडोज 10 पे ऐसी चेकिंग वैकिंग करी थी, गेम्स वेम्स चला के देखे थे FPS कितना आता है, आज वही चीज करने वाले हैं। तो देखो यार मैं विंडोज 10 का तो साथ में कंपेयर नहीं करने वाला हूं, सिर्फ विंडोज 11 देखने वाले हैं। अगर आप विंडोज 10 का देखना चाहते हो आई बटन वाली वीडियो चेक कर सकते हो, वहां हमने करा था यार विंडोज 11 का। अच्छा पहली गेम मैं बता देता हूँ आप सबको, यार फेवरेट गेम जितनी भी लोगों की है ना वही रखी है हमने। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं GTA 5 की, और वन ऑफ द यार बेस्ट, अभी बात कर लीजिए जब तक GTA 6 आती नहीं है, या फिर यार कोई और गेम्स के मैच में बोलूं ओपन वर्ल्ड गेम अपनी, यार GTA 5 अलग ही लेवल की चीज है। तो GTA 5 को जब हमने टेस्ट करा यार अराउंड से, आप FPS यार साइड में देख सकते हो, देखो ये गेम ना स्मूथ तो चलेगी ये बात तो है, ग्राफिक कार्ड आप प्रोवाइड कर रहे हो, पर हाँ FPS का जंप जो आप देख रहे हो या कम या ज्यादा जितना भी आपके पीसी में आ रहा है, आप खुद भी यार जब टेस्ट वेस्ट करोगे तो ये आपको मैं एक चीज डायरेक्टली बता देता हूं यार, ये सब जो है ना ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और इवन बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें यूज कर रही है ना रैम, उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करती है, समझ रहे हो, ग्राफिक कार्ड या रैम क्या यूज हो रहा है बैकग्राउंड में, तो इससे यार थोड़ा फ्लक्चुएट रैम हो सकता है। और साथ ही मैं ये भी बोलूंगा यार विंडोज 11 में थोड़े फीचर्स जाता है, शायद इस कारण भी आपको थोड़ा वहां लिटिल बिट दिख सकता है। सेकंड गेम यार माइनक्राफ्ट, आप सबके फेवरेट, बिल्कुल माइनक्राफ्ट में तो भरपूर FPS मिलते हैं यार, 300-300 तो ऐसे ही बांटते फिरो। देखो एक चीज तो है यार ग्राफिक लगा रहे हो तो पीसी में FPS ये सब तो चीजें आएंगी, पर विंडोज के साथ यार मैं ये बोलूंगा अगर आप विंडोज 11 पे आते हो, आपका ऑर्डिनरी सिस्टम है ठीक ठाक है, तो आपको बिल्कुल भाई परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंक्रीमेंट जरूर दिखेगा, जहां आपको 25-26 FPS आ रहे थे ना शायद आपको 30 तक आ सकते हैं, मैं शायद की बात कर रहा हूं, पर हाँ पीसी भी एक अच्छा होना चाहिए, अगर बहुत लो ग्रेड वाले पीसी से आए हो दिक्कत आ जाएगी भाई साहब, फिर आपके लिए मुश्किल पड़ सकती है। थर्ड गेम भाई मैंने एक्सक्लूसिव ऐसा कोई प्रेफर नहीं, पर हाँ हिटमैन 3 मेरे पास अवेलेबल थी, और भी गेम्स है, बाकी हिटमैन 3 आप देख सकते हो ये भी एक हाई क्वालिटी गेम है भाई, बहुत हद तक ग्राफिक्स रिक्वायर्ड करती है, वहां पे भी हमें यार अच्छे खासे FPS यहाँ पे निकाल के दे देती है यार विंडोज 11 पे खास करके। विंडोज 10 पे थोड़ा कम मेरे को ये पहले मिल रहे थे, पर अभी यार विंडोज 11 पे चेक करो थोड़ा ज्यादा है, तो ये सब यार टोटली बात थी। देखो विंडोज 11 में एक और फायदा यार एंड्रॉइड ऐप का, जो विंडोज 10 पे मेरे को लगता नहीं है, विंडोज 11 के कुछ बिल्ट पे है विंडोज 10 के, पर बाकी विंडोज पे यार टोटली मिल रहा है, तो ये भी है यार अगर आप एंड्रॉइड ऐप ये सब चलाना ज्यादा प्रेफर करते हो तब तो यार आपके लिए विंडोज 11 हो सकती है। अच्छा आप बताओ यार आपको गेमिंग में कुछ FPS जंप मिला है कि और डिक्रीमेंट गए हो, ये मेरे को जरूर बताना, चेक वेक्स तो आपने कर ही लिया होगा। बाकी हाँ इस वीडियो में इतना ही, सोचा यार थोड़ा गेम से रिलेट करते हैं, पहले भी हमने वीडियो बनाई थी पर वहां गेमिंग का टेस्ट नहीं किया था, आज करके देख लिया। बाकी हाँ इस वीडियो में इतना ही, पसंद तो बिल्कुल लाइक तो बनता है भाई साहब, सब्सक्राइब तोड़ के फोड़ के फेंकना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय यार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।